स्टूडेंट, आज हम लोग जो हमारा सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट कंटेंट है उसे डील करेंगे। इससे पहले हम लोग जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस को एक्सप्लेन कर चुके हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ चुके हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली एक सेपरेशन टेक्निक थी जिसमें हम लोग कोलाइड का सेपरेशन करते हैं। उसी से थोड़ी सी मॉडिफाइड एक टेक्निक है जिसे हम यहाँ पर इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम यहाँ पर मूवमेंट ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल को प्रिवेंट करते हुए डिस्पर्जन मीडियम को हम लोग यहाँ पर रिमूव कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर डिस्पर्जन मीडियम जो होता है उसे हम अलाउ करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि कोलाइडल पार्टिकल जो हैं वो इस प्रोसेस के अंदर मूव करना अलाउ नहीं होते हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है, ये जब हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं जब हम लिक्विड को किसी पोरस मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पर फोर्स करते हैं फ्लो करने के लिए, और ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं जब ये फ्लो करते हैं, या हम कह सकते हैं जिस प्रेशर या फोर्स के कारण ये फ्लो कर पाते हैं, वो एक तरह का पोटेंशियल होता है जो कि दो साइड पर अप्लाई होता है यहाँ पर। तो इस तरह के पोटेंशियल को हम यहाँ पर स्ट्रीमिंग पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। आप एक देख रहे रफ डायग्राम में यहाँ पर बनाया है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस को समझेंगे। यहाँ दो कंपार्टमेंट है, दोनों ही कंपार्टमेंट के अंदर वाटर फील किया हुआ है। ये दोनों आउटर कंपार्टमेंट के अंदर हमने फिल किया हुआ है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। अंदर की तरफ हमने क्या करा है, यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल को फील करा या कोलाइडल सोल जो है हमारा वो हमने फील करा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा वाटर है इसमें हमने दो सेक्शन बनाए हैं, हम कह सकते हैं दो पार्ट हमने बनाए, एक तरह हमारा नेगेटिव पार्ट है और दूसरा पॉजिटिव पार्ट है, यानी कि दो तरह के इलेक्ट्रोड्स हमने यहाँ फिट किए हुए हैं। जब हम इसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होगा, जो डिस्पर्जन मीडियम है यानी कि जो कोलाइड के अंदर जो लिक्विड मीडियम है उसका माइग्रेशन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वो जो पार्टिकल्स हैं हमारे वो क्या हो जाएंगे, अंदर वाले कोलाइडल सोल जो कि कंसनट्रेटेड सोल है उसे छोड़कर कहाँ पर आना शुरू कर देंगे, बाहर की तरफ आना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस की प्रोसेस, मतलब ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल जो होते हैं वो हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस हो रहा है, बट सेम प्रोसेस जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। तो ये हमारा इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस का प्रोसेस था, ये एक तरह की सेपरेशन टेक्निक है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर बताया गया है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस के बाद में स्टेबिलिटी ऑफ सोल्स क्या होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ सोल्स मतलब जो सोल्स हमने बनाए हैं उनका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी, अदरवाइज वो हमारे कोई काम के नहीं रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई कोलाइडल सोल बनाया है जिसका पर्पस मेडिसिनल है ना, तो अगर वो स्टेबल नहीं है यानी कि वो बनने के बाद में अपने आप को सेपरेट कर रहा है, अपने आप को ब्रेक कर रहा है, तो वो हमारे लिए फंक्शनल नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि सोल जो है वो स्टेबल रहे, ठीक है। तो सोल जो होते हैं वो थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, यानी कि डिस्पर्स फेज जो होती है वो डिस्पर्जन मीडियम से सेपरेट होने के चांस होते हैं जब उन्हें हम बहुत देर तक स्टैंड करके रखते हैं। हम उनको थोड़ी देर तक स्टैंड अगर इस्टेब्लिश कर दें तो वो मीडियम जो है हमारा डिस्पर्स फेज जो है वो डिस्पर्जन मीडियम जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होने लग जाता है। तो इस सेपरेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों को कोलाइड की स्टेबिलिटी के लिए कुछ करना चाहिए, यानी कि कोलाइड की स्टेबिलिटी के लिए कोई ऐड हम लोगों को करना चाहिए उस मीडियम के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये तो हमें पता है कि कोलाइड्स के अंदर बहुत वीक टाइप का फोर्स लगता है, और इस वीक फोर्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर वान डर वाल्स फोर्स, ठीक है। ये बहुत वीक टाइप का फोर्स होता है और इस फोर्स के कारण जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत सुपरफिशली एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सोल, कुछ पर्पस है यहाँ पर, कुछ प्रोसेस यहाँ पर बताई गई हैं या कुछ रीजंस हैं जिनके कारण सोल्स में स्टेबिलिटी ऑब्जर्व होती है। तो पहला जो हमारा पर्पस है यहाँ पर वो ये है, फर्स्ट इज स्ट्रॉन्गर रिपल्सिव फोर्स बिटवीन फोर्स
बिटवीन द सिमिलर चार्ज पार्टिकल, सिमिलरली चार्ज पार्टिकल्स। देखिए ये क्या चीज़ है, जो रिपल्सिव फोर्स होता है, मतलब जब अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं तो अट्रैक्शन होता है, जबकि सेम चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं या सोल जो होते हैं उनके पास में क्या होता है, चार्ज होता है। तो अपोजिट चार्ज जो होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करके रखता है। तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या होगा कि पार्टिकल जो है इनमें एग्रीगेशन हो जाएगा, है ना। लेकिन दो तरह से मैं समझाती हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो कोलाइडल पार्टिकल्स के पास में चार्ज होगा, ठीक है, दे मे बी पॉजिटिवली चार्ज और दे मे बी नेगेटिवली चार्ज, है ना। अब क्या होगा अगर इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, यानी कि पार्टिकल जो है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर पास पास में आ जाएंगे, और जब पास पास में आ जाएंगे तो उनके अंदर क्या हो जाएगा, एग्रीगेशन हो जाएगा, यानी कि पार्टिकल जो है वो क्लम्प बना लेंगे या मिलकर क्या करेंगे, वो क्लॉट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जो कि हमें अवॉइड करना है, ठीक है। क्योंकि क्लम्प या क्लॉट का बन जाना इंडिकेट करता है कि केमिकल जो है अब प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, या सब्सटेंस जो है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो चुका है, ठीक है, उसने अपनी प्रॉपर्टीज़ का लॉस कर दिया है। तो यहाँ कोलाइड की प्रॉपर्टी हमें वर्क करती है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो अपोजिट चार्ज होता है, ठीक है, ये जो अपोजिट चार्ज है वो अपोजिट चार्ज क्या करता है, एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग रिपल्शन ऑफर करेगा, ठीक है। और जब रिपल्शन ऑफर करेगा तो पार्टिकल्स क्या रहेंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे, ठीक है, पार्टिकल्स एक दूसरे से अपार्ट रहेंगे, दूर रहेंगे, जिसके कारण जो फेज़ है, यानी कि जो हमारा पार्टिकल है, हम कह सकते हैं हमारी जो डिस्पर्स फेज़ है वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहेगी, पार्टिकल जो है पूरी तरह से फैले हुए रहेंगे, और जब ही सस्पेंडेड रहेंगे तब जाकर जो हमारा कोलाइड है वो कैसा बन जाएगा, यहाँ पर स्टेबल बन जाएगा। तो कोलाइड की इटसेल्फ प्रॉपर्टी के कारण, यहाँ पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले स्ट्रॉन्गर रिपल्सिव फोर्स के कारण पार्टिकल जो है वो कैसे हो जाते हैं, स्टेबल बन जाते हैं, मतलब पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से डिस्टेंस पर चले जाते हैं, एग्रीगेट नहीं हो पाते ड्यू टू नेगेटिव, और मे बी वो फोर्स पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, बट सेम फोर्स एक दूसरे को रिपल करते हैं, जिसके कारण ये स्टेबिलिटी वाला फंडा हमको देखने को मिलता है। नाउ सेकंड फीचर जो है कोलाइड्स को स्टेबल करने के लिए, जो सेकंड फीचर हमें बताया गया है वो है पार्टिकल सॉल्वेंट इंटरैक्शन, ठीक है। अगला जो फीचर है उसे हम बोलते हैं पार्टिकल सॉल्वेंट इंटरैक्शन। अब देखिए पार्टिकल सॉल्वेंट इंटरैक्शन क्या है, पार्टिकल सॉल्वेंट इंटरैक्शन मतलब स्ट्रॉन्गर पार्टिकल सॉल्वेंट इंटरैक्शन के कारण क्या होता है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गली सॉल्वेटेड होते हैं। तो ड्यू टू दिस सॉल्वेशन जो इफेक्टिव डिस्टेंस होता है कोलाइडल पार्टिकल का वो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके कारण पार्टिकल जो होते हैं वो एग्रीगेट नहीं हो पाते, मतलब आपस में कम्बाइन नहीं हो पाते, ठीक है। जनरली लियोफिलिक सोल जो होते हैं वो मेनली स्टेबलाइज होते हैं बाय द सॉल्वेशन इफेक्ट, और इस स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन के कारण जो सोल पार्टिकल है वो भी डिस्पर्जन मीडियम के साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। देखिए सॉल्वेंट इंटरेक्शन क्या होता है, यहाँ पर हम लोग इसको समझें, स्ट्रॉन्ग पार्टिकल सॉल्वेंट जो होते हैं, सपोज करो हमारे पास कोई कोलाइडल पार्टिकल है, सपोज़ सी नाम का कोई कोलाइडल पार्टिकल है, और हमारे पास मीडियम है, ये जो सर्कल है वो इंडिकेट कर रहा है मेरे पास में डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। अब डिस्पर्जन मीडियम जो है वो क्या कर रहा है, कोलाइडल पार्टिकल्स के साथ में इंटरेक्शन शो कर रहा है, दैट मीन्स कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स है ना उसके साथ में वो इंटरेक्शन करेगा, यानी कि कोलाइडल पार्टिकल्स को पूरी तरह से अपने अंदर सॉल्यूबल बना के रखेगा। तो जैसे कि हम लोगों ने लियोफिलिक सोल के अंदर पढ़ा हुआ है कि लियोफिलिक सोल जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्पर्स फेस के साथ में इंटरेक्शन शो करते हैं। तो क्या होगा कि जब डिस्पर्सन मीडियम एक तरह का इंटरेक्शन किसके साथ बना कर रखता है, यहाँ पर डिस्पर्स फेस के साथ में, ठीक है, यानी कि पार्टिकल्स को क्या होने दे रहा है, वो अपार्ट नहीं होने दे रहा है, या पार्टिकल्स को
फेज से बाहर नहीं जान दे रहा है, उन्हें उसने उस हिट्रोजिनस होते हुए भी उसको होमोजिनस फेज में मेंटेन कर रखा है। तो ये जब भी पॉसिबल है, जब क्या हो जाए, पार्टिकल्स का डिस्पर्स फेज का सॉल्वेशन हो जाए, यानी कि प्रॉपरली वो डिस्पर्जन मीडियम के अंदर सॉल्यूबल हो जाए। तो ड्यू टू दिस सॉल्वेशन और ड्यू टू दिस सॉल्यूबिलिटी, यहाँ जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स फेज के, वो डिस्पर्जन मीडियम के साथ कंबाइन होकर, यहाँ डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों कंबाइन होकर क्या कर रहे हैं, वन फेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये जो वन फेज है वो सॉल्यूबल हो पा रहा है या पॉसिबल हो पा रहा है ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट, मतलब डिस्पर्जन मीडियम ने डिस्पर्स फेज को प्रॉपरली अपने अंदर एब्जॉर्ब करा रखा है, प्रॉपर इंटरेक्शन उसके साथ बना रखा है। तो रिजल्टिंग डिस्पर्स फेज मीडियम से बाहर नहीं जाएगी, यानी कि उसमें कोएगुलेशन या एग्रीगेशन होने के चांस नहीं होंगे, ठीक है। तो इस कारण जो पार्टिकल सॉल्वेंट इंटरेक्शन है वो भी कोलाइड्स को स्टेबल बनाने में हमारी हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है इसके अंदर क्लॉइगुलेशन, फ्लक्चुलेशन या प्रेसिपिटेशन क्या होता है। देखिए छोटी छोटी सी टर्म्स हैं, बट यही छोटी छोटी सी टर्म्स 2 और 3 मार्क्स के अंदर हम लोगों से पूछी जा सकती हैं। तो नाउ नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, कोएगुलेशन क्या होगा, फ्लक्चुलेशन क्या होगा, एंड वन मोर, इसी को हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ठीक है। कोएगुलेशन, फ्लक्चुलेशन और प्रेसिपिटेशन, ठीक। देखिए सिंपल भाषा में हम समझते हैं कोएगुलेशन और फ्लक्चुलेशन क्या होता है। सपोज करो हमारे पास में मिल्क है ना, मिल्क जो है वो कोलाइडल सोल है ना। हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, लाइव एग्जांपल ले रहे हैं, आप लोग कभी घर में भी ऑब्जर्व करा होगा ही। मिल्क जो है वो देखने में तो होमोजीनस है, बट एक्चुअली ही क्या होता है, वो हेटरोजीनस है, ठीक है। अब अगर इसके जो स्टेबिलिटी है, यानी कि इसके अंदर जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम का इंट्रैक्शन है, अगर मुझे उससे उसे ब्रेक करना है, तो इस मिल्क के अंदर थोड़ा सा हम लोग क्या ऐड कर दें, यहाँ पर एसिड ऐड कर दें ना, किसी भी तरह का कोई एसिड अपन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और जब आप इसको बॉईल करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसका सॉलिड पार्ट जो है वो सेपरेट हो गया, और इसका जो लिक्विड पार्ट है वो भी क्या हो गया, सेपरेट हो गया, ठीक है। तो जब किसी लिक्विड का सॉलिड पार्ट अलग सेपरेट हो जाता है, तो ये सॉलिड का जो सेपरेशन है लिक्विड से, दैट प्रोसेस इज नोन एज कोएगुलेशन, या इसे ही फ्लक्चुलेशन या प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब देखने में जो फेज अभी तक सेम थी, होमोजीनस फेज थी, तो बाय एडिंग सर्टन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और बाय एडिंग सर्टन टाइप ऑफ एसिड, अगर फेज का सेपरेशन हो रहा है, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड यहाँ पर डिफर जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कोएगुलेशन या फ्लक्चुलेशन बोलते हैं, ठीक। अब बहुत सारी ऐसी प्रोसेस हो सकती हैं जिससे कि हम कोलाइडल सोल का फ्लक्चुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है प्रोसेस हमारी, उसको हम बोलते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस। कौन सी प्रोसेस है हमारी यहाँ पर, बाय इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस नहीं, ये जो प्रोसेस है हमारी वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उन्हें अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ ले जाते हैं, और जब उन्हें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स के साथ में कनेक्ट किया जाता है लंबे समय तक, तो वो वहीं पर डिस्चार्ज हो जाते हैं और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, है ना। जैसे हम लोग पहले वाले जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें हम लोग देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में किस तरह से चार्ज का सेपरेशन होता है ना। कुछ ऐसा यूट्यूब स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया था, इस तरह से हम लोग एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर जितने भी सोल्स हैं बेस्ड अपॉन द चार्ज, वो अपने अपने अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड पर जाकर क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, या फ्लक्चुएशन उनका हो जाता है। तो बाय यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उन्हें अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ ले जाते हैं, और जब ये अपोजिटली चार्ज पार्टिकल जो हैं, जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ये इलेक्ट्रोड के अपोजिट चार्ज के कांटेक्ट में आते हैं, तो इस कांटेक्ट के कारण जो है ये वहीं पर डिस्चार्ज हो जाते हैं और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। दूसरी क्या चीज़ हमें बताई गई है, बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सोल। सेकेंड प्रोसेस है बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज
सोल, ठीक है, दो सोल जो कि अपोजिटली चार्ज हैं उन्हें मिक्स करके भी हम क्या कर सकते हैं, कोएगुलेशन या फ्लकुलेशन कर सकते हैं। देखिए इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जब हम अपोजिटली चार्ज सोल को मिक्स करते हैं ना, हमारे पास में दो सोल हैं जो जिनके ऊपर चार्ज क्या है यहाँ पर डिफरेंट है ना, अपोजिट है। सपोज करो वन सोल पजेस चार्ज पॉजिटिव एंड अदर पजेस चार्ज नेगेटिव, और दोनों की ही क्वांटिटी हमें कैसी रखनी है यहाँ पर, इक्वल है, मतलब दोनों का जो कंसंट्रेशन है वॉल्यूम जो है वो हमें यहाँ पर इक्वल रखना पड़ेगा। तो जब हम इन्हें यहाँ पर मिक्स करते हैं तो चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जब हमने इसको मिक्स करा तो मिक्स करने के कारण हमें चार्ज का क्या ऑब्जर्व होता है, न्यूट्रलाइजेशन। चार्ज पर क्या ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पर, न्यूट्रलाइजेशन ऑब्जर्व होता है। तो ये दोनों ही सोल जो होते हैं जिन्हें हमने मिक्स करा है, ये मिक्स करने के बाद या तो फुल्ली या पार्शियली क्या हो जाते हैं, दोनों ऑब्जर्वेशन या तो फुल्ली होते हैं या फिर पार्शियली यहाँ पर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, ठीक है, इनका फ्लक्चुएशन या प्रेसिपिटेशन हम लोगों को ऑब्जर्व होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है हमें, अगर हम लोग फेरिक हाइड्रोक्साइड का, ये हम लोग पहले भी चढ़ पढ़ चुके हैं, अगर हम फिर लोग फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है उससे अगर हम आर्सेनियस सल्फाइड जो कि नेगेटिवली चार्ज सोल होता है, इन दोनों को अगर हम लोग मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक न्यूट्रलाइज सोल मिलेगा, ठीक है, या हम कह सकते हैं न्यूट्रलाइज एक फॉर्म हमें मिलेगा या कोएगुलेटेड फॉर्म हमें यहाँ पर मिलेगा। और इस तरह की प्रोसेस को जिसमें एक पॉजिटिव सोल के साथ एक नेगेटिव सोल को हम ऐड करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं म्यूचुअल कोएगुलेशन और मिथिरल कोएगुलेशन। इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल कोएगुलेशन, या इसको हम कह सकते हैं मिटीरल कोएगुलेशन, ठीक है। तो ये दो फिनोमिना हमारे हुए जिसके थ्रू हम लोग फ्लक्चुएशन कोएगुलेशन प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड थिंग, थर्ड फीचर इज दैट कि हम लोग बाय एप्लीकेशन ऑफ बॉइलिंग, हियर थर्ड थिंग इज बॉइलिंग, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर बॉइलिंग की। अब देखिए बॉइलिंग क्या होती है, ठीक है, कोएगुलेशन के लिए बॉइलिंग क्या होती है, जब हम सोल को बॉईल करते हैं, ठीक है, तो जो एक तरह का इंटरैक्शन या अरेंजमेंट बना होता है बिटवीन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, वो यहाँ पर क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। और जब हम बॉईल कर रहे हैं, देखिए अगर मैं कहूँ कि एक कोलाइडल सोल का स्ट्रक्चर अगर मैं कहूँ, तो यहाँ जो डिस्पर्जन मीडियम होता है, ये जो डिस्पर्जन मीडियम होता है इसके ऊपर पार्टिकल जो है वो प्रॉपरली अरेंज होते हैं कुछ इस तरह से, ठीक। अब जब मैंने इसको बॉईल करा है ना, बॉइलिंग करना मतलब हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना, तो ड्यू टू प्रोवाइडिंग दिस हाई टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम गेट इंक्रीजेस, ठीक है। तो जब काइनेटिक एनर्जी डिस्पर्जन मीडियम की इंक्रीज हो जाएगी तो ये जो लेयर हमारी बनी हुई है, जो लेयर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, डैमेज, ये पार्टिकल जो है मूव करने लग जाएंगे। तो ये जो ऊपर एड्जॉर्ब लेयर बनी है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम का जो इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन क्या हो जाएगा मेरा, पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। और ये इंटरेक्शन जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या होगा कि जो स्टेबिलिटी थी सोल में, वो स्टेबिलिटी भी क्या हो गई है वहाँ पर, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जब हम लोग बॉइलिंग करते हैं तो यहाँ पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन बढ़ जाता है, डिस्पर्जन मीडियम एक्टिव हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ जाती है, रिजल्टिंग जो एड्सॉर्प्शन है डिस्पर्स फेस का, ये भी यहाँ पर डैमेज हो जाएगा। और इसके कारण जो पार्टिकल्स पर चार्ज हैं, मतलब अभी तक कहीं ना कहीं डिस्पर्जन मीडियम ने पार्टिकल्स को एग्रीगेट होने से रोक रखा था है ना, एक सुटेबल डिस्टेंस पर उनको अरेंज कर रखा था, बट जैसे ही हम हाई हीट यहाँ प्रोवाइड करेंगे, ये जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली ड्यू टू दिस डिस्टर्बेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे सेटल डाउन हो जाएंगे, हाई हीट की प्रेजेंस में पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे और ये फाइनली प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो बाय बॉइलिंग भी हम क्या कर सकते हैं, कोएगुलेशन फ्लक्चुएशन को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मेथड इज, जो अगली मेथड है हमारी वो है फोर्थ मेथड, बाय परसिस्टेंट डायलिसिस, ठीक है। अब देखिए परसिस्टेंट डायलिसिस क्या होता है, लंबे समय तक अगर हम लोग डायलिसिस करते रहेंगे तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जो सोल है उसको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं।
देखिए, लंबे समय तक डायलिसिस करने के कारण क्या होगा, जो हमारा मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, मीडियम में क्या प्रेजेंट है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, वो हमारा फुल्ली सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस जब करेंगे हम लोग लंबे समय तक, तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जो हमारे सोल को कहीं ना कहीं स्टेबल बना के रखता है, वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो अब एक दूसरे से एग्रीगेट हो जाएंगे, हम कह सकते हैं इस कारण हमारा जो कोलाइड है वो कोलाइड क्या हो जाएगा यहाँ पर अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब बाय परसिस्टेंट डायलिसिस के कारण कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इंटरेक्शन था बिटवीन सब फेज और डिस्पर्जन मीडियम वो डैमेज हो गया है, क्योंकि हमने जो डिस्पर्जन मीडियम के चार्ज थे उस चार्ज को ही क्या कर दिया, इस प्रोसेस में रिमूव कर दिया, एंड अल्टीमेटली जो कोलाइड है वो क्या हो गया हमारा अनस्टेबल हो गया, ठीक है। तो ये भी एक प्रोसेस है हमारे जिसके थ्रू हम लोग सेपरेशन कर सकते हैं, कोलाइड्स को हम लोग कोएगुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। हमारी जो नेक्स्ट मेथड है, फिफ्थ मेथड इज बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, दे आर आयनिक कंपाउंड, वो क्या होते हैं यहाँ पर आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जिनके पास में जब हम इसे रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, जिसे हम अगर देखें तो इसमें इटसेल्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, ये एसिड हो सकते हैं, ये बेस हो सकते हैं, ये सॉल्ट हो सकते हैं, ठीक है, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर मैं एक कोलाइड में किसी इलेक्ट्रोलाइट को ऐड भी कर दूं तो भी क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं हमारे वो कहीं ना कहीं उनके बीच में जो एक डिस्ट्रीब्यूशन बना है, उनके बीच में कहीं ना कहीं जो चार्ज की बेसिस पर बैलेंसिंग बनी हुई है वो बैलेंसिंग हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो द पार्टिकल जो होते हैं हमारे डिस्पर्स फेस के उनमें कहीं ना कहीं क्या है, कुछ चार्ज प्रेजेंट है। जब हम इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं हमारे कोलाइडल सोल में, तो कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं वो क्या करेंगे, अपोजिट चार्ज को जो कि हमने इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू ऐड करा है उसको गेन कर लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट से। और इसके कारण क्या होगा, जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और इसके कारण जो अनचार्ज पार्टिकल है वो भी क्या हो जाएंगे, पास पास में आकर कोएगुलेट हो जाएंगे या प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, सपोज करो मैंने क्या करा है, यहाँ पर बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, उसको मैंने आर्सेनियम सल्फाइड के साथ में ऐड करा, ठीक है। तो बेरियम आयन जो है विच इज़ अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिवली चार्ज सोल पार्टिकल, ठीक है, बेरियम आयन जो है वो किसके थ्रू अट्रैक्ट हो जाएंगे, जैसे ही आर्सेनियम सल्फाइड का सोल मैंने अभी बताया था इट इज़ नेगेटिवली चार्ज, और यहाँ बेरियम क्लोराइड जो है अगर मैं देखूँ तो ये Ba+2 हो जाएगा और ट्वाइस Cl-2, ये पॉजिटिवली चार्ज हमारा पार्टिकल है। तो आर्सेनियम सल्फाइड के सोल के थ्रू क्या हो गया, अभी तक आर्सेनियम सल्फाइड का जो सोल था वो स्टेबल था, बट अगर मैंने बेरियम क्लोराइड को इसके ऊपर ऐड कर दिया तो बेरियम क्लोराइड का पॉजिटिव चार्ज जो है जब वो आर्सेनियम सल्फाइड की सरफेस पर जाकर क्या हो जाएगा, एड्सॉर्ब हो जाएगा। तो इसके कारण जो आर्सेनियम सल्फाइड के हमारे यहाँ पर सोल पार्टिकल थे वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो जब न्यूट्रलाइजेशन होता है तो म्यूचुअल इंट्रैक्शन हो जाएगा एंड फाइनली दे गेट प्रेसिपिटेटेड, ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे हमारे प्रेसिपिटेशन शो करेंगे, और प्रेसिपिटेशन होना ही क्या कहलाता है यहाँ पर, कोएगुलेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ऑलरेडी स्टेबल सोल है हमारा लाइक आर्सेनियम सल्फाइड, उसमें इलेक्ट्रोलाइट को डालेंगे। सोल की जो भी प्रॉपर्टी है, अगर वो नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे, अगर वो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। एंड फाइनली ड्यू टू दिस अट्रैक्शन उनका जो इटसेल्फ स्टेबिलिटी था डिस्पर्जन मीडियम के साथ में वो ब्रेक हो जाता है, और फाइनली वो सब्सटेंस जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। तो बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी हम लोग फ्लक्चुएशन कर सकते हैं। नाउ हिडन लॉ हम लोगों को बताया गया, एक छुपा हुआ लॉ है जो हम लोग यहाँ सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, हमसे पूछा जाता है। देखिए सरफेस केमिस्ट्री में अभी तक जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं उनमें अगर हम लोग एग्ज़ाम के क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, जैसे बड़ी बड़ी तो टर्म्स आप अच्छे से याद करते ही हैं, बट सर्टन
बहुत ही छोटी छोटी सी डेफिनेशन है जो हमारे लिए एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे क्रिटिकल मीजल कंसंट्रेशन हमने पढ़ा, हमने क्राफ्ट टेम्परेचर पढ़ा, ठीक है, देन हमने उसके बाद में अभी जो मैंने आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस बताया वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अभी जो हम लोग टर्म डिस्कस कर रहे हैं लाइक क्लॉइगुलेशन, फ्लैक्यूलेशन, ये सब है एक ही टॉपिक का पार्ट, पर छोटी छोटी सी डेफिनेशन जो होती है वो 1 मार्क 2 मार्क में हमसे पूछ ली जाती है। तो ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ नेक्स्ट चीज़ हमें पढ़नी है, एक लॉ है, इस लॉ को बोलते हैं हम लोग हार्डी शुल्जे लॉ, ठीक है। हार्डी शुल्जे लॉ या फ्लक्चुएशन से ही रिलेटेड है। देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, हर तरह के इलेक्ट्रोलाइट की कोएगुलेट करने की टेंडेंसी जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। हम इसको बोल सकते हैं हर तरह के इलेक्ट्रोलाइट की जो कोएगुलेशन पावर है या कोएगुलेशन कैपेसिटी है वो क्या होती है, यहाँ पर डिफरेंट होती है, ठीक है। तो जब ये कोएगुलेशन कैपेसिटी डिफरेंट है तो कोएगुलेशन जब हो जाएगा सब्सटेंस का तो वो अमाउंट भी क्या रहेगा, यहाँ पर डिफरेंट रहेगा, है ना। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, सपोज़ करो कोएगुलेशन कैपेसिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं, किसका हम डिस्कस कर रहे हैं, कोएगुलेशन कैपेसिटी ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एंटाइटी यानी कि एनायन और कैटाइन के कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट में एनायन और कैटाइन के ऊपर प्रेजेंट होती है वैलेंसी, ठीक है। तो जो वैलेंसी होती है एक्टिव आयन्स की वही हमारा कोएगुलेशन पावर होता है ना। जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी एक्टिव आयन की या फ्लक्चुएटिंग आयन की उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, यहाँ पर कोएगुलेशन पावर होगा। ये रूल यहाँ पर हार्डी शुल्जे लॉ का, इसका स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं, ग्रेटर द वैलेंसी, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द एक्टिव आयन, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द एक्टिव आयन और फ्लक्चुएटिंग आयन, ग्रेटर विल बी इट्स कोएगुलेशन पावर, ग्रेटर विल बी इट्स कोएगुलेशन पावर, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, है ना, उतना ज़्यादा उसका कोएगुलेट करने का पावर होगा। जैसे इसे हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, सपोज करो मुझे क्या कराना है, कोएगुलेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज आर्सेनियम सल्फाइड। मेरा टारगेट है कि मुझे क्या करना है, कोएगुलेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज आर्सेनियम सल्फाइड, ये हमारा नेगेटिवली चार्ज सोल है, इसका मुझे कोएगुलेशन कराना है। तो इसका कोएगुलेशन कराने के लिए मेरे पास कुछ इलेक्ट्रोलाइट के ऑप्शन हैं। क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास में, सपोज़ एल्यूमिनियम +3, मैग्नीशियम +2 एंड सोडियम +1, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर देखेंगे ये जो ऑर्डर मैंने यहाँ पर करा है, या हम कहें कि एल्यूमिनियम से लेकर सोडियम तक जाने पर जो पॉजिटिव चार्ज है हमारा आयन्स के ऊपर वो क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। या मैं कहूँ कि जब मैं इधर से इधर आती हूँ तो पॉजिटिव चार्ज में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है। तो जिस आयन के पास जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका कोएगुलेशन पावर उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। सपोज करो स्टेनस है मेरे पास, 3 है, उसके पास में पॉजिटिव चार्ज +4 चार्ज है, तो स्टेनस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा इफेक्टिव है फॉर द कोएगुलेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो फिर से मैं आपको समझाती हूँ हार्डी शुल्जे लॉ। हार्डी शुल्जे लॉ जो है वो हमको एक्सप्लेन करता है अबाउट द कोएगुलेशन कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सिंपल सा स्टेटमेंट है, जो एक्टिव आयन होता है, एक्टिव आयन मतलब इलेक्ट्रोलाइट में वो पार्ट जो कोएगुलेशन कराने के लिए कैपेबल है, या इसको हम फ्लक्चुएशन आयन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा वैलेंसी होगा कोएगुलेशन या फ्लक्चुएशन आयन में उसका उतना ही ज़्यादा कोएगुलेशन पावर होगा, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर, सपोज मुझे टारगेट दिया गया है कि मुझे आर्सेनियम सल्फाइड को कोएगुलेट कराना है, इसकी फेजेस को मुझे सेपरेट करना है, तो मुझे पास 4 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, जैसे मैंने तो यहाँ पर आयन्स ही लिए हैं, सपोज करो मेरे पास में स्टेनस क्लोराइड है, एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है एंड सोडियम क्लोराइड है। तो इन चारों में से सबसे पावरफुल इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा, तो अगर मैं इनको ब्रेक करूं तो मुझे इसके पॉजिटिव आयन, क्योंकि नेगेटिव सोल है तो पॉजिटिव से कोएगुलेट होगा,
तो पॉजिटिव आयन पर अगर मैं चार्ज देखूँ तो स्टेनस पर सबसे ज़्यादा चार्ज है, Sn+4 जो है वो चार्ज सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा कोएगुलेशन पावर जो है वो टीम का होगा। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं, ठीक है, इससे इस डायरेक्शन में जाते हैं, तो ड्यू टू इंक्रीज इन चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट होने के कारण, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट होने के कारण यहाँ पर कोएगुलेशन पावर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। इसमें कोएगुलेशन पावर भी क्या होता है, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हार्डी शिल्जे लॉ था। आप बहुत सारे एग्जांपल इसके अंदर ले सकते हैं, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव सोल का भी हम लोग एग्जांपल ले लें। सपोज करो फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्या है, हमारे पास में सोल है विच इज़ इट सेल्फ पॉजिटिवली चार्ज, ये बार बार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो इसका अगर मुझे कोएगुलेशन पावर कराना है तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई एनायन लेना पड़ेगा, यानी कि कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ पर लेना पड़ेगा। अब देखिए इसके लिए स्टेटमेंट क्या है, देखिए इसके लिए अगर मुझे, मैं देखूँ नेगेटिवली चार्ज सोल अगर मैं लूँ, तो फेरिसाइनाइड का जो हमारा आयन है विच पजेस -4 नेगेटिव चार्ज, ये सबसे ज़्यादा शो करेगा, देन फॉस्फेट आयन -3, देन सल्फेट आयन -2, एंड सबसे कम जो होता है वो क्लोरीन का रहेगा। तो यहाँ से यहाँ आने पर, यानी कि -1 से -4 के चार्ज पे आने पर जो कोएगुलेशन पावर है वो कोएगुलेशन पावर क्या हो जाएगा मेरा, बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ आने पर जो सब्सटेंस का कोएगुलेशन पावर है वो ड्यू टू इंक्रीमेंट इन चार्ज यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से अपन ने हार्डी शिल्जे लॉ को एक्सप्लेन करा। अब देखिए बहुत छोटे से स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि जो लॉ है वो हमें एक्सप्लेन करना होता है। मे बी आपको कोई ऑर्डर दे दिया जाता है, जैसे लाइक ये ऑर्डर मैंने यहाँ पर लिखा, कोई भी रैंडम ऑर्डर दे दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि विच इलेक्ट्रोलाइट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर इलेक्ट्रो सॉरी कोएगुलेशन ऑफ द पर्टिकुलर सोल, ठीक है। तो हमें दो बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है, एक तो किस तरह के सोल का हमको यहाँ पर कोएगुलेशन कराना है, फर्स्ट थिंग, ठीक है, और हमारे पास एम में क्या है, मतलब हमारे पास जो सैंपल में इलेक्ट्रोलाइट दिए हैं वो क्या है, ठीक है। तो इन दिस वे हार्डी शुल्जे लॉ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट देखिए फ्लक्चुएशन और कोएगुलेशन वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा, अगेन छोटी छोटी डेफिनेशन हमें दी गई हैं, तो हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लक्चुएशन और कोएगुलेशन वैल्यू। देखिए समझते हैं फ्लक्चुएशन और कोएगुलेशन वैल्यू क्या होगी, से हम लोग लिख सकते हैं कोएगुलेशन या फ्लक्चुएशन वैल्यू, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, मिनिमम कंसेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का विच इज जस्ट सफिशियंट टू कॉज द कोएगुलेशन ऑफ ए सोल, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट की वह मात्रा, मिनिमम कंसेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की वह मिनिमम क्वांटिटी जो कि गिवन सोल का कोएगुलेशन करने के लिए रिक्वायर्ड हो, वो हमारी फ्लक्चुएशन वैल्यू या कोएगुलेशन वैल्यू कहलाती है। या फिर इलेक्ट्रोलाइट का नंबर मिलीमोल में जो जस्ट रिक्वायर्ड हो फॉर द कोएगुलेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए इसको हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो हम लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ मिली मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, बहुत ही लेस क्वांटिटी, द नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द कोएगुलेशन, रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द कोएगुलेशन, ठीक है। मतलब किसी पर्टिकुलर सोल का फ्लक्चुएशन कराने के लिए, उसको कोएगुलेट करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट की मिलीमोल में यूज़ की जाने वाली क्वांटिटी क्या कहलाती है, फ्लक्चुएशन वैल्यू कहलाती है, ठीक है। कोई भी फ्लक्चुएटिंग एजेंट जो रहेगा वो जितना ज़्यादा इफिशियंट रहेगा
उसकी फ्लक्चुलेटिंग वैल्यू उतनी ही कम होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देख, मैंने जो वर्ड कहा है मैं ये कह रही हूँ, कोई भी फ्लक्चुलेटिंग एजेंट है, ठीक है, कोई भी हमारे पास क्या है यहाँ पर, फ्लक्चुलेटिंग एजेंट है ना। तो ये जो फ्लक्चुलेटिंग एजेंट है वो जितना ज़्यादा इफ़िशियंट होगा, मतलब जितना ज़्यादा प्रभावकारी होगा, जितना ज़्यादा इम्पैक्ट शो कर पाएगा, उसकी उतनी ज़्यादा लो वैल्यू, यानी कि उतनी ज़्यादा लो वैल्यू फ्लक्चुलेशन की होगी। सीधा सा मतलब है उसकी उतनी कम क्वांटिटी हमें फ्लक्चुलेशन की प्रोसेस में यूज़ करना होगी। ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारा यहाँ पर, फ्लक्चुलेशन वैल्यू कहलाता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट चीज़ हमें यहाँ पर बताई गई है, देखिए अगली चीज़ हमें बताई गई है, कोएगुलेशन ऑफ लियोफिलिक सोल। हमें ये पता है कि जो लियोफिलिक सोल होते हैं, ठीक है, लियोफिलिक सोल का हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर, कोएगुलेशन पढ़ना है। अब हमें पता है कि लियोफिलिक सोल जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं? क्योंकि देर इज़ ए लॉट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो वी हैव टू ब्रेक द इंटरेक्शन बिटवीन दिस टू फेजेस, है ना, जो कि नेचुरली एक इंटरेक्शन बन गया है, उस इंटरेक्शन को हम लोगों को ब्रेक करना पड़ता है। तो लियोफिलिक सोल का कोएगुलेशन हम लोग कैसे करें, ये चीज़ हमें अभी यहाँ पर डिस्कस करनी है। देखिए, दो तरह के फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो इसे स्टेबल बनाते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं एक बार फिर से बताती हूँ। तो फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द लियोफिलिक सोल, यहाँ दो जो फैक्टर हैं वो क्या हैं, फर्स्ट इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल्स, जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में चार्ज का इंट्रैक्शन है, एक तो वो चीज़ जो है उसे रेगुलेट कर रही है। एंड सेकेंड थिंग इज सॉल्वेशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं उनने डिस्पर्जन मीडियम के साथ में अपने आप को हाइड्रेटेड कर लिया है, हैवीली हाइड्रेटेड कर लिया है, या मीडियम के साथ में बहुत अच्छे से वो एब्जॉर्ब हो गए हैं, बहुत अच्छे से मिलकर उन्होंने एक होमोजीनस फेज को क्रिएट कर दिया है। तो ये दो फीचर हैं, फर्स्ट द चार्ज ऑन द कोलाइडर पार्टिकल एंड दूसरा इंटरेक्शन बिटवीन द मीडियम। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन द मीडियम यानी कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच का इंटरेक्शन, जितना पावरफुल होगा सोल हमारा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, जब इन दो फैक्टर्स को हम लोग डिस्टर्ब कर दें, या इन दो फैक्टर्स को हम लोग क्या कर दें, रिमूव कर दें, तो एक लियोफिलिक सोल जो है वो कोएगुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो कोएगुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सी चीज़, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। हम जो सबसे कॉमन फिनोमेना यूज़ करते हैं वो क्या है यहाँ पर, फॉर डिस्टर्बिंग दिस टाइप ऑफ सोल, हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग दूसरा काम क्या कर दें, हम ऐड कर दें एक सुटेबल सॉल्वेंट को, बाय एडिंग सुटेबल सॉल्वेंट। अगर कोई सुटेबल सॉल्वेंट को भी हम लोग ऐड कर दें तो भी क्या हो सकता है यहाँ पर, हम लोग हमारा जो सोल है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। देखिए, हम बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, सपोज करो एक सोल है जिसने बहुत अच्छे से इंटरेक्शन कर दिया है ना, अब उसका जो इंटरेक्शन था या उसके जो अरेंजमेंट था, हमारा जो डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्जन मीडियम के बीच का जो इंटरेक्शन था, इलेक्ट्रोलाइट आया उसके पास में, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, उस चार्ज के इन्फ्लुएंस में आकर जो हमारा डिस्पर्स मीडियम जिसके ऊपर क्या थे, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल प्रॉपरली एड्जॉर्ब हो गए थे। ठीक है, तो इस पावरफुल चार्ज की प्रेजेंस में जो एड्जॉर्प्शन है वो एड्जॉर्प्शन हमारा डिस्टर्ब हो गया, एंड अल्टीमेटली क्या हो गया, सोल जो है वो क्या हो गया हमारा, कोएगुलेट हो गया। ठीक है, देखिए याद रखें यहाँ पर, अ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होती है वो सोल को स्टेबल बनाने में हेल्प करती है, बट यही मिनिमम क्वांटिटी जब एग्जीड कर जाती है, नॉर्मल से अबो चली जाती है, तो वही हमारे सोल की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर देती है, और यही यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई बात, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, बाय एडिंग सुटेबल सॉल्वेंट, है ना। देखिए, डिस्पर्जन मीडियम के अंदर ही काम हो सकता है, अगर मैंने डिस्पर्जन मीडियम का जो अपना एक कंसंट्रेशन था, अपना जो एक नेचर था, चार्ज जो उसका अपना चार्ज बैलेंसिंग का एक प्रॉपर वे बना हुआ था, डिस्पर्जन मीडियम का चार्ज बैलेंसिंग का जो फीचर था, वो हमने सॉल्वेंट को ऐड करके क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, सपोज़ करो मैंने क्या करा, मेरे पास 10% का NaCl कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बना हुआ था। ठीक है, मैंने क्या करा, उसके अंदर मोर वाटर को ऐड कर दिया। ठीक है, मोर वाटर को ऐड कर देने के कारण डाइल्यूट हो गया सॉल्यूशन, रिजल्टिंग उसका जो चार्ज था वो चार्ज भी कहीं ना कहीं, मतलब अगर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ,
जहाँ पर पानी को ऐड कर दिया मैंने, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने के कारण जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी डिस्टर्ब हो गया, या कहें कि कंपैरेटिवली लेस हो गया। अब जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेस हो गया तो पार्टिकल को एड्जॉर्ब करने वाला जो फीचर था वो फीचर भी क्या हो गया मेरा, डिस्टर्ब हो गया। रिजल्टिंग जो लियोफिलिक सोल थे वो मेरे डिस्टर्ब हो गए, ठीक है। तो बाई एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट और बाई एडिंग सुटेबल सॉल्वेंट, ये दोनों ही तरीके हैं जिससे हम हमारे सोल को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं, या अभी तक हमने जितनी चीज़ें डिस्कस की ये सभी की सभी चीज़ें जो है इनकी हेल्प से हम लोग हमारे सोल को डिस्टर्ब कर सकते हैं, है ना। अब यही इन्हीं चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जो नेक्स्ट चीज़ें पढ़ेंगे दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइट, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड या सोल जो है, जो नेक्स्ट चीज़ हमें यहाँ पर पढ़नी है, और छोटी छोटी सी डेफिनेशन जो है हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ गोल्ड नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोग इसको प्रॉपरली डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि इट्स सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट और डीलिंग कंटेंट है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे।